नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता है और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर स्पेशलिस्ट यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो इस वीडियो का शीर्षक है कैंसर इम्यूनोथेरेपी और इस वीडियो के जरिए हम एक नई कैंसर थेरेपी की बात करेंगे जिसके बारे में कई डॉक्टरों को भी और कई मरीजों को भी कई सवाल रहते हैं और हम उसके बारे में कुछ कॉमन सवालों का जवाब देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि कैंसर इम्यूनोथेरेपी क्या होती है। कैंसर इम्यूनोथेरेपी एक नया तरीका है कैंसर का इलाज करने का, जिसमें कैंसर को मारने के लिए शरीर के अपने ही इम्यून सिस्टम या को प्रमोट किया जाता है या बढ़ाया जाता है ताकि वो खुद जाके कैंसर सेल को मारे। तो ये एक ज़्यादा नेचुरल तरीका है कैंसर का खात्मा करने के लिए, जिससे कि शरीर के अपने सेल्स खुद जाके कैंसर का खात्मा करते हैं। कैंसर इम्यूनोथेरेपी कैसे काम करती है? नॉर्मली हमारे शरीर में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारी सुरक्षा करती है इन्फेक्शन से या कैंसर से। यदि कोई बाहर का कीटाणु हमारे शरीर में घुस जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उस कीटाणु को ढूंढ के उसका खात्मा कर देता है। ऐसे ही यदि हमारे शरीर के अरबों सेल में से एक सेल कैंसर में बदल जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम इस सेल के बदलाव को पहचान लेता है और उस सेल को मार देता है ताकि कैंसर शरीर में ना पनपे। परंतु कई बार क्या होता है, शरीर में कैंसर बन जाता है और वो तरीके ईजाद करता है इम्यून सिस्टम से बचने के, ताकि इम्यून सिस्टम कैंसर को ना मार सके और कैंसर शरीर में बढ़ जाए और धीरे धीरे फैल जाए। इम्यूनोथेरेपी बॉडी के इम्यून सिस्टम और कैंसर सेल के बीच में जो वार्तालाप है उसको मॉडिफाई करता है, यानी कि उसका बदलाव करता है, ताकि जो इम्यून सिस्टम कैंसर सेल को पहले नहीं पहचान पाता वो उसको पहचान भी लेता है और उसको मार भी देता है। तो एक तरीके से कैंसर सेल को डायरेक्टली मारने के बजाय इम्यूनोथेरेपी ये कोशिश करती है कि शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ावा दिया जाए ताकि वो जाके कैंसर को अटैक करके उसको मार दे। तो एक सवाल जो काफ़ी कॉमनली पूछा जाता है कि कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी में क्या फ़र्क है। कीमोथेरेपी एक तरह से शरीर में दिया हुआ एक केमिकल होता है जिसका काम सीधा कैंसर सेल को अटैक करके उसको मारना होता है। तो कीमोथेरेपी जाता है और कैंसर सेल का खात्मा डायरेक्टली करता है। इम्यूनोथेरेपी डायरेक्टली कैंसर सेल का खात्मा नहीं करती, उसकी बजाय वो शरीर के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है ताकि वो इम्यून सिस्टम फिर जाके कैंसर सेल को मारे। इसलिए चूंकि दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है, दोनों का देने का तरीका और साइड इफेक्ट प्रोफाइल अलग अलग हो जाती है। अगला सवाल यह है कि किन कैंसरों में इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इम्यूनोथेरेपी एक ऐसी चीज़ है जो लगभग हर कैंसर में उसका थोड़ा थोड़ा काम रहता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम और कैंसर के बीच में वार्तालाप हर कैंसर में चलता है। परंतु चूंकि ये एक नई मॉडलिटी है, कुछ कैंसरों में अच्छी तरह हमारे पास स्ट्रॉन्ग डेटा है कि इम्यूनोथेरेपी का अच्छा बेनिफिट है, जैसे कि फेफड़े का कैंसर, किडनी का कैंसर, ब्लैडर का कैंसर, कुछ स्किन के कैंसर, कुछ ब्लड के कैंसर। इन कैंसरों में इम्यूनोथेरेपी का बहुत ही अच्छा रोल पाया गया है और कंटेम्पररी जब हम इस समय कैंसर का इलाज करते हैं 2018 में, तो इम्यूनोथेरेपी के बारे में इन कैंसरों में ज़रूर सोचा जाता है हमेशा। अन्य कैंसरों में इम्यूनोथेरेपी इस समय धीरे धीरे इनका रोल बढ़ रहा है, बट इस समय भी कई जगहों पर इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल करना भी चाहिए और किया भी जाता है। तो अगला सवाल है कि इम्यूनोथेरेपी का बेनिफिट क्या कीमोथेरेपी से ज़्यादा है या कम है। तो इसका जवाब यह है कि वो कैंसर और सेटिंग पर डिपेंड करता है। आप किस तरह के कैंसर में इलाज कर रहे हैं, किस स्टेज में इलाज कर रहे हैं, उस कैंसर की मॉलिकुलर या जेनेटिक फीचर्स क्या है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि इम्यूनोथेरेपी का फ़ायदा क्या रहता है। कुछ कैंसर जैसे कि कुछ पर्टिकुलर टाइप के फेफड़े के कैंसर में इम्यूनोथेरेपी का इतना अच्छा बेनिफिट देखा गया है कि कई मरीजों को बीमारी पता चलते ही आजकल सबसे पहले इम्यूनोथेरेपी देनी चाहिए, ना कि कीमोथेरेपी। परंतु किन पेशेंट्स में इम्यूनोथेरेपी बेटर है और किन पेशेंट्स में कीमोथेरेपी बेटर है, ये डिपेंड करता है कि उस मरीज के ट्यूमर में किस तरह के जेनेटिक चेंजेस है, किस तरह के मार्कर्स है और किस तरह का ट्यूमर और किस तरह की सेटिंग है, कहाँ पर इम्यूनोथेरेपी यूज़ करना है और कहाँ पर दूसरी थेरेपीज यूज़ करनी है, ये एक अच्छे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का काम है मरीज को बताना। तो एक सवाल जो काफ़ी कॉमनली पूछा जाता है वो ये है कि क्या कैंसर इम्यूनोथेरेपी से बीमारी का लंबा इलाज किया जा सकता है। कई बार मरीजों को लगता है कि दूसरी थेरेपी से कुछ समय फ़ायदा मिलता है जो कि आगे जाके ख़त्म हो जाता है, तो क्या लंबा फ़ायदा मिल सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। रिसर्च में देखा गया है कि इम्यूनोथेरेपी से कुछ सबसेट ऑफ पेशेंट्स में लंबे समय का फ़ायदा मिल सकता है, ताकि बीमारी बहुत लंबे समय तक ट्रीटमेंट से कंट्रोल रहे, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि शरीर में बीमारी पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। तो ये एक डेवलपिंग फील्ड है,
पर देखने पर जरूरी यह है कि सिर्फ सही सेटिंग में इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाए जहाँ पे लंबा फायदा उसका चांस मैक्सिमम हो। तो लास्ट में आते हैं इम्यूनोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स पे। तो कोई भी थेरेपी अगर उसका कोई इफेक्ट होगा तो साइड इफेक्ट भी होगा, परंतु जानने वाली चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि इम्यूनोथेरेपी के साइड इफेक्ट जनरली बहुत सीरियस या बहुत सीवियर नहीं होते। यदि हम कीमोथेरेपी से इम्यूनोथेरेपी को कंपेयर करें तो कई साइड इफेक्ट जिससे पेशेंट को डर रहता है जैसे कि उल्टी, दस्त, बालों का झड़ना, इम्यूनोथेरेपी में कॉमनली नहीं देखे जाते। धन्यवाद। और यदि आपको इस वीडियो के बावजूद कुछ अन्य सवाल है या डाउट्स है तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक्स या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने सवाल हमारे तक भेज सकते हैं और इनका जवाब हम आपको रिप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।